जोगिंदर नगर के मछियाल में बैसाखी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के शुभारंभ में जोगिंदर नगर के SDM KK शर्मा और तहसीलदार मुकुल अनिल शर्मा ने बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। मेले में पहुंचकर SDM ने आए हुए देवताओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद मेले का शुभारंभ किया। इसके अलावा मेले में मेला कमेटी के समस्त सदस्य एवं मसौली पंचायत के उप प्रधान मनीष कुमार, गुरु शरण परमार, रीता राणा, धर्मवीर कांशी राम शर्मा शामिल थे। जोगिंदर नगर थाना से एडिशनल SHO गोविंद पाल व राजेश कुमार व उनकी टीम मेले में अपनी ड्यूटी में तैनात थे। गोविंद पाल ने बताया कि मेले के दौरान ट्रैफिक का ध्यान रखें तथा मेले में हुड़दंग ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। आप सबके जोरदार सहयोग से ये मेला जो है बहुत अच्छे से संपन्न होगा, ऐसी मैं आप सबसे कामना करता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियाँ आप सब यहाँ पे दिखाएंगे और जितने भी यहाँ पे इसमें जो सारी व्यवस्था देखेंगे, पुलिस के हमारे साथी और जो प्रशासन की सारी टीम और जितने भी दुकानदार साथी आए हैं, आप सबका जो सब लोग जो आपके एक एक के आने से इस मेले की शोभा बढ़ी है, आप सबका मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो ये मछियाल का मेला है, SDM साहब इस बार पहली दफा यहाँ पे आए हैं, बताना चाहते हैं बाबा मच्छिंद्रनाथ जी की ये तपोस्थली है, उनकी ये धरती है, उनके नाम से ही इस मछियाल का नाम पड़ा। और जो यहाँ पे पवित्र स्नान होता है और जो ये मेले होते हैं, आज जो मछियाल का जो अस्तित्व है ये पूरी तरह से बाबा मच्छिंद्रनाथ जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पे है। आज मछियाल में जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है, जिनके घर चल रहे हैं, जिनके चूल्हे जल रहे हैं, इसका जो सारा श्रेय है बाबा मच्छिंद्रनाथ जी को जाता है। इसमें हमने अपना अच्छे से सहयोग करना है। इसमें जो चाहे वॉलीबॉल है, घड़ा तोड़, कुश्ती, सारी प्रतिभाएं जो है यहाँ पे करवाई जाएंगी, सारी प्रतियोगिताएं होंगी। और जो जितना हर बार की तरह यहाँ पे सुंदर यहाँ पे झूले भी लगे हैं, सुंदर यहाँ पे दुकानें भी सजी हैं। आप सब ने अभी 3 दिन ये मेला चलना है, आपने जरूर जो है रोज यहाँ पे समय निकालना है और यहाँ पे जो है अच्छे अच्छे इनाम भी मेला कमेटी की तरफ से रखे गए हैं और कोई यहाँ पे इस तरह का भेदभाव नहीं होगा। बहुत सुंदर से जो जो यहाँ पे अपना अपना यहाँ पे प्रतिभा दिखाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। तो एक बार पुनः मैं SDM साहब का, तहसीलदार साहब का और उनकी सारी टीम का यहाँ पे आने पर और इसलिए सहयोग चाहूंगा। बाबा मच्छिंद्रनाथ जी की, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी की, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैसाखी के इस पावन पर्व पर जो मछियाल का हमारा बहुत ही एक ऐतिहासिक जो ग्रामीण स्तर का मेला है, इसके उद्घाटन समारोह में हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे बीच SDM जोगिंदर नगर कृष्ण कुमार शर्मा जी साहेब, हमारे बीच में उन्हीं के साथ आए हुए तहसीलदार साहब मुकुल शर्मा जी, हमारे बीच में चलार पंचायत के सम्मानित प्रधान सावित्री जी, कांशी राम जी, हमारे कानून साहेब श्री अश्विनी शर्मा जी, तमाम इनका स्टाफ और पत्रकार हमारे साथी राजेश शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी, जतिन लटावा जी और इनकी सारी टीम, हमारे बीच में जो महिलाओं की जो ये खेलकूद प्रतिभाएं जो यहाँ पे दिखाएंगी उसको जो जज करेंगी हमारी बहुत ही जो एक्सपीरियंस जो हमारी यहाँ की कोच है रीता देवी जी, हमारे बीच में चलार पंचायत से पूर्व में रहे प्रधान होशियार जी, हमारे बीच में रिटायर्ड DSP साहब ज्ञानचंद ठाकुर जी, हमारे बीच में संजीव जी और तमाम हमारे विभिन्न जो हमारे धर्मवीर जी हमारे जो मंच का संचालन बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, और मसौली जो पंचायत है उसके उप प्रधान हमारे मुनीश जी, और आप सभी जो विभिन्न महिला मंडल जो आए हैं उनके सम्मानित तथा साथ लगी पंचायतों से आई हुई जनता, मैं यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं को अपना नमन करता हूँ और आप सभी को इस मछियाल मेले की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी एक मेलों की समृद्ध परंपरा यहाँ कायम रखी है, जिसकी शुरुआत और अंत जो है वो दोनों
आध्यात्मिक घटनाओं से होता है, देवताओं की पूजा से हर मेला यहाँ शुरू होता है और उसी के साथ संपन्न भी होता है और बीच में आप लोग अपना मनोरंजन, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं और बहुत उत्साह से आप लोग भाग लेते हैं। मैं आप सभी के इस जोश को और इस उमंग को सैल्यूट करता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे को आप इस जोश को कायम रखेंगे। बहुत से महिलाओं में उत्साह रहता है कि अलग अलग गतिविधियों में वो भाग लें और इस तरह के जो मेले हैं वो उनको एक मंच प्रदान करते हैं जिससे ना केवल अपनी प्रतिभा को आप लोग निखार सकते हो बल्कि जो पुरानी संस्कृति है, जो स्थानीय संस्कृति है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। नई पीढ़ी को उन सभी चीजों से रूबरू होने का मौका मिलता है जो पुरानी पीढ़ियों ने बड़ी बहुत समय से संजो के रखी हैं और आप लोगों का उत्साह इसी ढंग से अगर रहेगा तो ये संस्कृति बिल्कुल बरकरार रहेगी और ये परंपरा और से और समृद्ध होती चली जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत तन्मयता से, बड़े लगाव से यहां 3 दिन चलने वाले इस मेले में भाग लेंगे और इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। ना केवल बनाए रखेंगे लेकिन यहाँ का मेला हर साल थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे जाता रहे और नई नई चीजें यहाँ पे होती रहे वो आप सब लोगों के सहयोग से बिल्कुल संभव होगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और मेरी टीम बिल्कुल आप लोगों की सेवा में तत्पर है। जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे उनको बिल्कुल सुना जाएगा, विचार किया जाएगा और उनको लागू किया जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिमाचल। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष एरी की रिपोर्ट।